हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फहीम और आज मैं आपको लेके आया हुआ हूं दोस्तों बहुत सारे लोगों की डिमांडेड वाली फ़िल्म आशिकी फ़िल्म। दोस्तों आज मैं आपको आशिकी फ़िल्म की शूटिंग लोकेशन पर लेके आया हुआ हूं, वो जगह दिखाने लेके आया हुआ हूं जो आपने एक 32 साल पहले बनी हुई फ़िल्म के सॉन्ग में देखी होगी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फ़िल्म आशिकी जो 1990 की फ़िल्म है और आज 2022 के हिसाब से करीब 32 साल के बाद आज मैं उस जगह पर, आज मैं उस चौराहे पर हूँ जो आपने वो फ़िल्म के गाने में देखे थे। दोस्तों गाने के कुछ अल्फाज ऐसे थे, तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। दोस्तों ये आशिकी फ़िल्म का एक फेमस सॉन्ग जहां पर रिकॉर्ड हुआ था, आज हम आपको वहां पर लेके आए हैं। दोस्तों फ़िल्म के अंदर अनु अग्रवाल जी हैं और राहुल रॉय हैं। दोस्तों मैं हूं लोकेशन पर और मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मुझे यार किसी बहुत ही स्पेशल ने ये मुझे गिफ्ट दिया है, मेरे सब्सक्राइबर ही ने, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत मुझे किसी ने इस काबिल समझा, तो आज ये चश्मा हम उनके नाम से उनका दिया हुआ गिफ्ट है और गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती है। मुझे कितनी खुशी है इसको पहनकर वीडियो बनाने में मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन यार जिन्होंने दिया है उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया, इस वजह से मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट, आई एम वेरी आई एम वेरी मच हैप्पी फ्रॉम योर गिफ्ट, आई लव यू। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही चाहत, तू ही प्यार, तू ही आशिकी है। दोस्तों मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं, मैं बिल्कुल वही जगह पर खड़ा हुआ हूं जहां पर वो 32 साल पहले वो सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों मैं आपको यहां की एक एक जगह दिखाऊंगा, एक एक जगह दिखाने से पहले मैं चारों तरफ का एरिया आपको एक बार घूम के दिखा देता हूं और उसके बाद मैं आपको यहां का एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। हर जगह मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर वो सारे सीन को अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं वही 32 साल पहले आई हुई फिल्म आशिकी की, जिसके अंदर ये वाली गली, ये वाला चौराया, ये वाला रोड दिखाया गया था जहां पर वो सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे, आज हम वही जगह दिखाते हैं। दोस्तों गाना तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी हर खुशी है, उसमें क्या दिखाया गया है दोस्तों, वो लोग कुछ फुटपाथ पे बैठे हुए गाना बजाना करते रहते हैं और एक लड़की इधर, एक छोटी बच्ची रहती है वो जहां पर ये रेड कलर की गाड़ी खड़ी है वो यहां पर डांस करती रहती है। दोस्तों पहले यहां पर अगर आप स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों किशोर कुमार गांगुली मार्ग, इसी मार्ग के बाजू में यहां पर एक वाइट कलर का छोटा सा मंदिर था। दोस्तों हम अगर कैमरे को इधर, ये एक्चुअली गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर साहब भी इधर नहीं है, नहीं तो हम इसको हटवा देते, तो यहां पर वो दोस्तों मंदिर था। और ये जो आप पेड़ देख रहे हो ना दोस्तों, काफ़ी 32 साल में ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है, वो टाइम पर इसके पत्ते छोटे से यहीं पर दिख रहे थे। तो दोस्तों इस जगह पर जहां पर मैं बैठ जाता हूं दोस्तों, यहां पर अगर आप एक स्क्रीनशॉट देखेंगे तो हमारे एक्टर जो आशिकी फिल्म के हैं राहुल रॉय इधर बैठे रहते हैं। जब राहुल रॉय इधर आके बाद में बैठते हैं दोस्तों, जब गाना स्टार्ट होता है, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी हर खुशी है, तो वो टाइम पर यहाँ पर वो गाना बजाने वाले बैठे रहते हैं फुटपाथ पर, इधर बाजू में रोड चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो आप ये दीवार देख रहे हो दोस्तों, ये दीवार के ऊपर जो आप ये रेलिंग देख रहे हो, ये पत्थर का जाली बना दी गई है, वो टाइम पर रात का सीन था। दोस्तों एकदम क्लियर सारे सीन मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर जो जाली है वो लोहे की जाली है ब्लैक कलर की, लेकिन दीवार का जो डिज़ाइन है वो आज भी ऐसा ही है, थोड़ा सा बदलाव है दोस्तों। तो यहाँ पर पोस्टर लगे हुए होते थे फिल्मों के और कुछ
पॉलिटिक्स पार्टी के पोस्टर लगे हुए थे और वो गाना इस जगह पर वो बच्ची नाचती रहती है। एक सीन में ये वाली दीवार दिखाई गई है दोस्तों, जब ये साइड की दीवार दिखाई जा रही थी वो टाइम पर वो डिजाइन में कुछ ऐसा पिलर बने हुए थे दीवार के टाइम पर, लेकिन आज वो ऐसे नहीं है, लेकिन सिमिलर डिजाइन है उसका। थोड़ा सा दीवार को थोड़ा ऊंचा कर दिया गया, पहले दीवार भी थोड़ी नीचे थी, लेकिन डिजाइन आज भी हमको सेम देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं, अब इधर आ जाते हैं। ये फिल्म में आप बहुत ही अच्छे से दिखा रहे हो दोस्तों, ये हमारे बॉलीवुड के एक, अब हम जहाँ पर खड़े हुए हैं हम आपको बता दें, यहाँ पे लिखा हुआ भी है किशोर कुमार गांगुली मार्ग। दोस्तों इस जगह का नाम, इस एरिया का नाम, इस चौक का नाम किशोर कुमार गांगुली मार्ग है। ये नाम उनको दे दिया गया है दोस्तों। उन्होंने हमको इतने फेमस गाने दिए हैं यार, इतना तो बनता ही है उनके लिए कुछ करने के लिए। जैसे ही ये मार्ग पर आप कभी भी आते हो तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है उसी के बाजू में किशोर कुमार सर का बंगलो है दोस्तों, और इसी बंगलो के जैसे आप बाहर आएंगे तो ये मार्ग है किशोर कुमार। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अब सॉन्ग की, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी हर खुशी है। दोस्तों ये सॉन्ग कुमार सानू साहब ने गाया था, वो भी एक बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे एक सिंगर हैं, जिनकी तारीफ हम अपने अल्फाजों में मैं कैसे कर सकता हूँ दोस्तों। लेकिन बता दें कि कुमार सानू सर का सॉन्ग तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आशिकी है, जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं आज भी इसका डिज़ाइन ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप स्क्रीनशॉट में देखोगे ना, ये थोड़ा ऊपर की ओर है और ये थोड़ा अंदर है, और वो टाइम पर थोड़ा और वाइट कलर का दिख रहा था दोस्तों। फिल्म को बन के भी 32 साल हो चुके हैं और 32 साल के बाद हम आपको ये लोकेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने फिल्मों में देखी थी। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही आशिकी है दोस्तों, तो वो गाना यहाँ पर शूट हुआ था दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप एक स्क्रीनशॉट में ये जगह देख रहे हो तो यहाँ पर ये दरवाज़ा आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा था, ये गेट नहीं था वो टाइम पर, ये बंद था, लेकिन यहाँ पर अभी ये गेट लगा दिया गया है दोस्तों। दोस्तों जब राहुल रॉय वो लड़की को नाचते हुए देखते हैं, वो लड़की यहाँ पर खड़ी रहती है जहाँ पर ये रेड कलर की कार खड़ी है, और वो बिल्डिंग में होते हैं जो आप ऊपर वो बिल्डिंग देख रहे हो, उस बिल्डिंग में राहुल रॉय सर खड़े रहते हैं और वहाँ से वो झांकते हैं, तो यहाँ पर वो गाना बजाते रहते हैं और यहाँ पर वो बच्ची डांस करती है दोस्तों। इस सीन को फिल्म में आधी रात को होते हुए दिखाया है, बिकॉज रोड पर ट्रैफिक भी नहीं था दोस्तों। यहाँ पर एक रेड कलर की कार खड़ी है, लेकिन ये आप दीवार देख सकते हो, उधर वो सामने समंदर का किनारा है, तो यहाँ पर वो डांस के सीन रिकॉर्ड किए जा रहे थे दोस्तों। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब फिल्म में राहुल रॉय वो विंडो से देखते हैं, वो जो आप वहाँ पे खिड़की देख रहे हो, फिर वो नीचे आने लगते हैं और इधर से इसी रोड से हुए वो दौड़ते हुए आते हैं और बीच में एक वाइट और ब्लैक कलर का छोटा सा डिवाइडर बना हुआ था, लेकिन अभी नहीं है वो डिवाइडर। तो जो आप देख रहे हो वो पीछे वो बिल्डिंग, वहाँ पर राहुल रॉय खड़े होते, आप उस बिल्डिंग का डिज़ाइन आज भी देख सकते हो, इस एरिया में वो बिल्डिंग अभी भी हमको पुरानी दिख रही है दोस्तों। तो यहाँ से वो झांकते हैं, इस बिल्डिंग से झांकते हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, वो बच्ची यहाँ पर डांस करती रहती है, और यहाँ पर वो फिर आके इस जगह पर बैठ जाते हैं। ये जो बड़ा सा पेड़ आप देख रहे हो दोस्तों, एक्चुअली पेड़ वो टाइम बहुत छोटा था। राहुल रॉय सर इधर से आते हैं, जो रोड आप देख रहे हो इधर से ये रोड को क्रॉस करते हुए आते हैं, रात का सीन दिखाया गया है, और यहाँ पर आके बैठ जाते हैं, इस जगह पर आके बैठ जाते हैं। हम आइए यहाँ से दिखाएंगे ये फुटपाथ जहाँ पर ये पीपल का पेड़ है, इस जगह पर राहुल रॉय यहाँ पर आके बैठते हैं, वो बच्ची इधर डांस करती रहती है। तो दोस्तों ये है वो जगह, ये है वो लोकेशन जहाँ पर तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी हर खुशी है, तू ही चाहत, तू ही प्यार, तू ही आशिकी है। तो आप इधर पाएंगे दो गेट लगे हुए हैं, उधर से भी रात का सीन है तो क्लियर नहीं, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो दो गेट इधर भी लगे हुए हैं दोस्तों। यहाँ से जैसे हम थोड़े आगे की ओर बढ़ते हैं ना, तो इधर एक खूबसूरत समंदर का व्यू देखने के लिए मिल रहा है। आइए मैं भी आपको थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ और वो व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ, कैसा ये समंदर का नज़ारा है दोस्तों। इधर यहाँ पर बहुत साल पहले आशिकी फिल्म का वो सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया था दोस्तों। ये खूबसूरत व्यू जो आप देख रहे हो, ये है व्यू मुंबई के समंदर किनारे का, जुहू बीच दोस्तों। बहुत ही काफ़ी बढ़िया लोकेशन देखने के लिए मिल रही है, आइए दोस्तों यहाँ पर।
ये दोस्तों अभी हमने आपको वो समंदर का किनारा दिखाया, वो गली दिखाई जो यू नो स्क्रीन शॉट में आप देख पा रहे हो। ये जो डिज़ाइन ये आप दीवार का देख रहे थे, ये डिज़ाइन भी कुछ ऐसे ही सिमिलर था। तो दोस्तों अब से 32 साल पहले आशिकी फिल्म, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये लोकेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों मूवी की शूटिंग लोकेशन देखना चाहते हो, कोई और जगह देखना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट करना। दोस्तों आप समझ सकते हो कि मैं आपका भाई, आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और आप कुछ अगर देखना चाहते हो, आप भी सोचते हो कि यार फहीम भाई पता नहीं हमारी बोली हुई वीडियो बनाएंगे कि नहीं, तो मेरे भाइयों तुम बोल के देखो एक बार, तुम बता के देखो मुझे, मैं ज़रूर बनाऊँगा आपकी। हाँ आप मुझे टाइम लग सकता है लेकिन आपकी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। चलिए दोस्तों मैं ये वीडियो यहां पर खत्म करता हूं और इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। गाइस आई लव यू सो मच, जिंदगी को एंजॉय करें दोस्तों। आई लव यू सो मच गाइस।